तुम्हा सर्वांचं नवीन लोकांचं तसेच वृंदावनचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. किती लोक नवीन आहे तिकडे, म्हणजे ज्यांना तारखेबद्दल माहिती नाही, किंवा किती लोक सात वर्ष सगळेच नवीन आहेत का? अरे वा, गुड गुड गुड. कुठून आलात आपण? आपण कुडूस वरून आहात का? सगळे कुडूस आहेत. भिवंडी, तुम्ही भिवंडी, म्हणजे भिवंडी किती लांब आहे? किती लांब आहे? 30 किलोमीटर वरून. आणि आउट ऑफ स्टेशन वरून पण आलाय, म्हणजे जास्त लांबून वगैरे? अधिक लांब मुंबई वगैरे गावी चालू आहे. ओके ओके. मागच्या वेळेला आमचा सेमिनार झाला होता कल्याणला होता मला वाटतं, त्यावेळेला कुठून औरंगाबादवरून लोक आले होते है ना मॅक्झिमम. तर अशा प्रकारे आपलं कालकी हॉलिडेज प्रायव्हेट लिमिटेडचा जो पसारा आहे तो 2700 लोक आतापर्यंत जॉईन आहेत फक्त 2 महिन्यामध्ये, आणि हा वाढत जाणार आहे. बरोबर आहे. तर इकडे आपल्याला कंपनीने काय प्रोडक्ट दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय काय भेटणार आहे, कशा प्रकारे इन्कम होणार आहे, कशा प्रकारे आपण कमवणार आहे, बिंदास ग्रुप कुठल्या अचीवमेंटला आतापर्यंत गेला अशी सगळी माहिती, अशी सर्व माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. तर ह्यासाठी सर्वजण रेडी आहेत का? हो. काय काय सांगू, काय काय सांगितलं गेलं आपल्याला इकडे येण्यासाठी, तेव्हा तुम्ही आलात ना मॅडम, काय सांगितलं? ऐसा नाही करते का बिंदास ग्रुप? नाही क्या बोल गेलाय? मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना आपको. हाँ तो क्या बोल के लाया गया आपको यहाँ, मतलब क्या बोल के आज बुलाया? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं ना कुछ बोला चलो प्रोग्राम है या पैसा मिलने वाला, ऐसा कुछ है ना? मतलब किसी को कुछ झूठ झूठ ऐसा बोल के नहीं लाया ना, चलो पिक्चर देखने जाएंगे. लास्ट टाइम हम लोग को भी कोई ऐसा बोला कि लेके गया था, चलो पार्टी है, मेरा बर्थडे है, तुम लोग को लेके जाता हूँ. हाँ, जब तो पार्टी होने वाली है, चलो हम लोग भी आ गए, वही सबसे तैयार हो गए. इधर आके देखा तो बोले किसी यहाँ पे नहीं, दूसरे किसी सेमिनार में आके गए थे. तो दोस्तों अच्छी बात है, क्योंकि कालकी नहीं चाहता है कि किसी से कुछ भी झूठ कमिटमेंट करके हमको लाया जाए या झूठ बोल के हमको कुछ और बताया जाए और झूठ बोल के कुछ एडवांटेज लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम हिंदी है ना, तो हिंदी में बोल चलेगा. तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मराठी बोलता, चुकीला माफी नाही, तेवढं तर कळत असेल ना तुम्हाला, चुकीला माफी नाही. खोटं बोलणार झालं की त्याला काय म्हणतात सुधारणार, काढून टाकतो आम्ही लगेच बाहेर, असं आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला काही लोकांनी सांगितलं असेल इन्कम वगैरे प्लान तुम्हाला दाखवतो, पैसे कमवण्याचा एक फार भन्नाट आयडिया, किंवा पैसे कमवण्यासाठी आपण घरी बसून पैसे कमवू शकतो, असं किती लोकांना सांगितलं? हातवर करायचं बिंदास, घाबरायचं नाही. घरी बसून पैसे कमवू शकतो किंवा थोडंफार काम करून घरी, म्हणजे बसल्या बसल्या पैसे कमवू शकतो असं काय सांगितलंय का? अशीच आली गाडी बघून न काय सांगता बर मालूमात करणे. अच्छा ठीक आहे, चलो अच्छा आहे. मालूमात करणे का मतलब उसके लिए आप ओपन है ना माइंडेड, कि चलो ठीक है कुछ मालूमात, कुछ यहाँ पे मिलने वाली जानकारी मिले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी मालूमात आपको मिलने वाली है कि जिससे जिंदगी में कुछ जो हमारा अधूरे सपने होते हैं ना, हाँ, जो हम अपनी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाते वो हम यहाँ पे आके पूरे कर सकते हैं, इसकी मालूमात मिलने वाली. चलेगा? सुनने के लिए तैयार है आप लोग? ठीक है. तो इसके आगे कंपनी आपको क्या, आपकी जिंदगी में मजा आने वाला है या आपको जिंदगी में क्या मिलने वाला है? पैसा तो चाहिए सबको ना, मजा आने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये काम करने में कैसे मजा आएगा, क्यों मजा आएगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए मैं हमारे सर को बुला रहा हूँ यहाँ पे. तो प्लीज इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. आप लोग बहुत टाइम से बजा रहे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि बीच बीच में वहां पे फैन नहीं है, इसके लिए शायद से गर्म ज्यादा हो रहा है तो आवाज नहीं निकल रही है. सर बोल रहे पैसा कमाना चाहते हैं क्या? तो हाँ, व्हाट इज दिस, पैसा कमाने की बात होती तो क्या होना चाहिए आपके पास, क्या आना चाहिए आपके अंदर से, कितना जोर से आवाज आना चाहिए, आता है कि नहीं? हम लोग देखते रोड पे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, हम लोग जब आप बस से जाते हैं या हम लोग ऑटो ऑटो से जाते हैं
हम लोग अभी बुजुर्ग हो गए ना, तो हम लोग भी ऑटो से जाते हैं या टैक्सी से जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं आजू बाजू में ना जो मोटरसाइकिल पे बच्चे लोग हैं ना, यंगस्टर्स क्या करते हैं, घूम 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 गाड़ी पकड़ दे रहे हैं, कैसे कट मारते देखा है कभी? हाँ, इसलिए क्यों? एनर्जी देता है। अच्छा, एक अच्छी बात होगी सर, बराबर बोला, एनर्जी देता है वो, एनर्जी इधर तो नहीं दिखाई दे रही है, सारे यंग के या सब लोग यंग बैठे, एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दूसरा ये आपको बताना था, नहीं बंद करो आवाज ये ज्यादा करेगा मेरा, बंद करो। मैं कहना ये चाहता था दोस्तों कि एक पांच मिनट दस मिनट बचाने के लिए इंसान क्या करता है, ऐसे 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 कट मारता है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, शॉर्टकट बराबर ना, जो लाइफ होगा उसका 70-80 साल का ना, शॉर्टकट 25 में ही निकल गया है ना, 20-22 में भी निकल जाते हैं हम लोग देखते। मैं मुझे एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतना मतलब भाई क्यों 5-10 मिनट कितना फर्क पड़ता होगा, अगर 25 किलोमीटर जाना है, अगर 60 के स्पीड से जाने के बजाय अगर आदमी 80 के स्पीड से जाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा, कभी कैलकुलेट किया आपने, कभी सोचा है सर? आपने आपने सोचा होगा ना, आप लोग मां लोग भी है यहाँ पे, सोचते होंगे ना ये बच्चे ऐसे क्यों करते, किस लिए करते? मैक्सिमम 25-30 किलोमीटर भी जाने करेगा ना सर, मैंने काउंट किया है, 5 या 7 मिनट का फर्क पड़ता होगा, पर आपके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे जिंदगी संवरने की बात हो रही है, पैसे कमाने की बात हो रही है, क्योंकि आप हाँ 5 मिनट आगे जाने के लिए लोग दाव पे लगा देते अपनी जान को, सही बोला मैंने? सही है। 5 मिनट जल्दी जाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगाते, अरे पैसा कमाने के लिए क्या करोगे? जोर से हाँ तो बोलोगे कि नहीं? हाँ कमाना है भैया, अरे वापस बताओ, नहीं समझ में आया, 1000 रुपया कैसे मिलेगा, 500 रुपया कैसे मिलेगा, पूछो ना, पूछेंगे कि नहीं? जोर से बोलो ना, सर सर वापिस बताओ सर, अरे बोलेंगे कि नहीं? मैं आपको बताता हूं, कार्तिक हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका जन्म कैसे हुआ, मैं यहाँ पे क्यों आया, हमारे सीएमडी प्रशांत खड़े सर यहाँ पे क्यों आए, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का भी बचपन से सपना था, कभी जा नहीं पाई भैया, ये दिख रहा है ना, आपने सोचा तो होगा ना कि ये फोटो क्यों लगाया है, ये सुंदर सुंदर माहौल यहाँ पे हमको दिखाया, मतलब शायद यहाँ पे हमको लेके जाने वाले, सोचा तो होगा ना, लेकिन इसके बारे में भगवत सर ने कुछ बताया नहीं, मैंने सोचा कि मैं वापस क्लियर करूँ आपको। ठीक है, आप गए कभी फ्लाइट में मक्का मदीना तो गए होंगे? नहीं, कौन कौन गया फ्लाइट में? झूठा ही सही। हाँ, आप गए फ्लाइट से, कहाँ गए थे सर? काम से, फैमिली के काम से, घूमने के लिए गए थे? हाँ घूमने के लिए गए थे, हैदराबाद। हैदराबाद घूमने जैसा है काफी, हाँ मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड है हैदराबाद में। और कौन गया था? आप गए थे फ्लाइट से, कहाँ गए थे? किस लिए? शिरडी जाना था, इसके लिए फ्लाइट में बैठने का था। ओके, गुड 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 गुड। आपके हाँ क्या करते हैं? कोको कोला कंपनी में हिसाब किताब देखते क्या सब पगार वगैरह तो नहीं देते? मैके से भी गई थी, इधर से नहीं। अच्छा, मैके से भाई लेके गए थे, क्या करते भाई आपके? बैंक में। वेरी गुड, बैंक में कैशियर? मैनेजर। वेरी गुड। देखो भैया, सबका तकदीर ऐसा नहीं होता ना, है ना, बहुत अच्छा तकदीर है उनका, और तकदीर उनकी मेहनत भी होगी, उनको अच्छी फैमिली मिली, उनके पिछले कर्म भी होंगे, व्हाटएवर, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तकदीर में नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए 98% लोग तो ऐसे है कि फ्लाइट में जाना चाहते हैं लेकिन गए नहीं, बराबर? आप जाना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, बोलो जोर से बोलो, जिसको जिसको जाना चाहते हैं, हाँ बोलो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, प्रशांत सर जो हमारे कंपनी के सीएमडी है, कार्तिक हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने क्या सोचा, मतलब हम बैठे थे, कुछ 2-3 जन सीनियर लीडर्स बैठे थे, तो सोच रहे थे कि यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी है, पैसा कमाएंगे, सब कुछ ठीक है यार, प्लान तो सबके लिए सेम रहता है, ये बेचेंगे तो भी, वो बेचेंगे तो भी, वो बेचेंगे तो भी, सबको प्लान सेम रहता है, बराबर, वो तो प्लान है ना, पैसा कैसा किसको देने का, ठीक है ना। डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्या रहता है, ठीक है। हमने सोचा कि क्या करें, ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को बोर नहीं हो रहे सर? पक्का ना बोल देना, बोर हो रहा है तो बोल देना, मैं तुरंत अपना स्पीच चेंज कर दूंगा। तो कालकी ने ये सोचा कि बहुत लोगों की तमन्ना होती है, जैसे हमारे भी, हम भी दोस्त सोचते थे यार कभी इधर जाएंगे, कभी मलेशिया जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, लेकिन सर जा नहीं पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? जो कमाते थे ना, जो खर्चे के लिए लगता है ना, वो सारा पूरा ही नहीं होता है, बराबर है?
और जब कभी थोड़ा बहुत बोनस वोनस आता है या बचता है ना, तो स्कूल की फीस आ जाती है, बच्चों के साथ में 6 महीने की भरने की है, अमुक पान का फलाना हो जाती है, स्कूटर का मैकेनिज्म प्रॉब्लम हो गया, उधर खर्चा हो जाता है, नया शर्ट लेना पड़ेगा यार इसके तो लग गए, होता है ना। हाँ, नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे, शॉपिंग 50% हम लोग तो 50% भी जाते हैं ना, सेल रहेगा तभी शॉपिंग करने के लिए जाती है। तो ये है हम तो 50% का सेल जिधर लगा रहेगा ना उधर ही शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बराबर। राइट में कब जाएंगे भैया, वो तो बहुत लंबा रहेगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सपने हैं, हाँ, कि हम करेंगे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी बचता नहीं है और हमारा सपना कभी पूरा होता नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कार्की ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहला इनको फ्लाइट में घुमा के लाया जाए, क्योंकि मैं आपको कोई भी बिजनेस दूंगा ना बॉस, आप 1,00,000 रुपए से कमाओगे ना, तो भी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि शायद आप बोलोगे आप घूम के आए मलेशिया वगैरह, लेकिन लोगों का वो सपना पूरा नहीं होता यार, अभी 1,00,000 रुपए है, अभी यार बेटी बड़ी हो रही है उसकी शादी को लगेगा, आ जाते ना सर, बीवी को बोलते जाने दे यार अपना तो अभी टाइम खत्म हो गया, अभी उसके लिए 2-4 दागिने गहने बना के रखते हैं, 5-10 लाख रुपए उधर खर्चा होगा, बराबर ना। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है, कॉलेज की फी, मेडिकल करना है, बराबर, कभी पूरा नहीं होता है। क्या होता है फिर हम लोग बोलते यार हो गया यार अभी जी लिए, अभी जवानी खत्म, अभी क्या घूमना फिरना, होता है ना सर। तो हम लोग ने ये कैलकुलेशन लगाया कि ऐसा करते पैसा तो देंगे, लेकिन पैसा कब देंगे, पहले जाओ घूमो फिरो एंजॉय करो उसके बाद में पैसा मिलेगा, समझा। बेचने के लिए ये चीज बेचू, कोई भी चीज, अगर रोज मर ऐसे 2,000 प्रोडक्ट आने वाले हैं, पहले जोरदार तालियां कार्की के लिए, मेरे को खाली मतलब ट्रेनर है, ऐसे 2,000 प्रोडक्ट amazon.com पता है आपको, वैसे अपनी वेबसाइट रहेगी जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, बच्चों के डायपर से लेके एवरीथिंग, टोपी बीपी एवरीथिंग, शर्ट कपड़े ये सब कुछ मिलेगा यहां से। सर ने बताया ना पॉइंट बीवी 100 या 1000 बीवी, वो रिकमेंडेशन, जिसने आपको रिकमेंड किया उसका पॉइंट वैल्यू, उसको कमीशन वगैरह मिलेगा, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन है हॉलीडेज। इसमें क्या किया हम लोग ने, हॉलीडेज का खर्चा निकाला, देखा कि कैसा सस्ता पड़ेगा। सबसे पहला होता है कि हम लोग अगर जाएंगे, आप सर आप जाके है ना, अगर गोवा का अगर हॉलीडे का पैकेज, थोड़ा लिखने का मेरे को प्रॉब्लम, फिर भी कोशिश करता हूँ, 2 nights 3 days गोवा, आप मार्केट में कहीं पे भी पता कर लेना, मैडम आप कर लेंगे फोन पे जल्द टाइम देना, हाँ मार्केट में पता कर लेना कि 2 nights 3 days गोवा का हॉलीडे पैकेज, वो भी 3-star में, 3-star होटल कितने का पड़ता है, कुछ आइडिया है किसी को, बोला ना सर, आई हैव आइडिया, बोलिए। 25,000 का पैकेज पड़ता है पर पर्सन, यस पर पर्सन, खाना पीना इंक्लूड है उसमें, एक टाइम मेरे ख्याल से डिनर देते हैं, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ 25,000 पर पर्सन विद डिनर विद फ्लाइट, अजय में नहीं होएगा सर, कहाँ जाएंगे हम लोग गोवा, 25,000 पर पर्सन जोड़ा गया तो 50 जा पाएंगे क्या, कभी बैंक अकाउंट में मुश्किल से 10-12 कभी तो जमा होता है, 10-12 हजार बराबर ना, इतना जमा होता है तो तीसरे दिन और नीचे रहता है, 6,000 हो जाता है पगार आती है ना उसके पहले दिन, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब पगार आती है ना तो पहला हफ्ता मच्छी मटन सब, उसके बाद में दाल राइस, थोड़ा हॉटलिंग मेटलिंग पिक्चर, वो पहले दिन हफ्ते 10 दिन में होता है, उसके बाद में तो आने वाले दिन गिनने का रहता है बचा के। तो कहाँ गोवा जाएंगे 25,000 रुपए देके, लेकिन हम लोग ने सोचा कि क्या करेंगे कि अगर हम लोग ये 25,000 को कम कैसे करें, तो एक टेक्निक है, फ्लाइट की जो टिकट होती है ना, अगर किसी को पता होगा, अगर 3 महीने पहले या 2 महीने पहले अगर बुक करते हैं तो फ्लाइट की टिकट जो 4,000 रुपए की होती है ना, वो सीधा 1,500 रुपए या 1,600 रुपए में मिलती है। अभी सर ने बोला 25,000 रुपए, 25,000 क्यों होता है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट इन्होंने बोला मेरे को अगले हफ्ते जाने का है, तो उनकी टिकट हो जाती है 8,000 रुपए रिटर्न होती है, बराबर, और हमारी जो टिकट होती है 3,000 रुपए रिटर्न होती है। वैसे होटल का भी होता है,
त्रिस्टार होटल में अगर आप जाओगे तो 5,500 रुपया 6,000 रुपये का पैकेज होता है पर नाइट का, तो वो कितना हो जाता है 10,000 रुपया, 8 और 10 कितना हो गया 18,000। बाकी कंपनी का प्रॉफिट 25,000 का मैंने 22% बताया, उकट तो नहीं ना करेगा कोई, बराबर। हमने क्या किया 3,000 रुपया फ्लाइट का रिटर्न टिकट और हम लोग होटल भी 3 महीना पहला बुक करते, बराबर। तो होता क्या है जो 4,000 का होटल होता है वो 1,500 रुपये में मिलता है या ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये में मिलता है, 5 और 3 8,000 3,000 रुपया प्रॉफिट। उधर कंपनी प्रॉफिट तो है ना भाई, बिना प्रॉफिट के तो कंपनी नहीं चलेगी ना, प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। अब वहां पे जो कंपनी है जो है 8,25,000 रुपये में से 18,000 रुपया निकाला तो कितना हो गया 7,500 रुपया। क्योंकि छोटी कंपनी रहती है, छोटा बजट रहता है तो ज्यादा अर्निंग करनी पड़ती है, ज्यादा ज्यादा बांटना पड़ता है। हमारी बड़ी कंपनी है 3,000 रुपया प्रॉफिट आपको चलता है, कोई बात तालियां, बराबर। तो मुद्दे पे आता हूं कि 2 नाइट 3 डेज का गोवा पैकेज 11,000 रुपये में कौन कौन जाना चाहेगा, आप चलेंगे हाथ ऊपर। अभी बोलो तो ये बारिश ना मतलब नहीं है सर, 3 महीने बाद बोला ना भाई क्या आपने, 3 महीने बाद आराम से प्लानिंग करेंगे ना, मैं चलूंगा साथ में, चलो बराबर है। अरे जाना पड़ेगा मैडम, आपको लेके ही जाएंगे, आप टेंशन मत लो, जाना पड़ेगा। क्यों, आपका सपना नहीं है क्या फ्लाइट व्लाइट में जाने का घूमने का? बहुत कम लोग होते हुए ऐसे कोई बात नहीं, ग्यारह लोग यहाँ पे हैं मौजूद है। थैंक यू वेरी मच प्रशांत खरे सर, इतना अच्छा स्पीच दिया, काकी के बारे में बताया, लोगों को उन्होंने पूछ भी लिया कैसा लगा वगैरह, बोलो तो मुझे वापस पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैंने देखा कि मैं पीछे मुड़ के ही बैठा था, आपने देखा होगा, देखा था ऐसे पीछे मुड़ के देखा था, सर बोल रहे थे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रॉपरली आना पड़ेगा, सबको अच्छा लगा ना, परफेक्ट ना, पता नहीं मैडम थोड़ी से नर्वस हो गए थे बीच में, आपने ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अभी क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इतना तो सारा पूरा जिंदगी भर ट्रेनिंग लिया, चपाती पहला ऐसा बनता था, अभी गोल किया, कांदा काटने के डर पे उंगली कट जाता था, सारा वो भी अभी ठीक से आ रहा है, खाना भी परफेक्ट बन रहा है, पति का कोई कंप्लेंट नहीं है, अभी क्या क्या ट्रेनिंग लेने का भाई, अभी पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग लेने का, पति तो जाता है, इतना ट्रेनिंग लिया, 15 साल नौकरी किया है ना, एजुकेशन किया, अभी बच्चे कमाएंगे ट्रेनिंग लेंगे ये सब ना, नहीं भैया मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ, भले जिंदगी आधी गुजर गई हो आपकी और फिर भी आपको अगर ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसने आपको ट्रेनिंग दिया था क्या इससे पहले, सीधी बात ना सर, दिया था क्या पैसा कमाने के लिए? हम लोग अपना ठोकर खाते खाते कैसे गिरते संभलते खुद ही, मतलब हाँ लॉस हो गया ये हो गया, और आप लोग हमको कोई बाइब अपना नहीं था ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन सबने इंडायरेक्टली बता दिया अगर ट्रेनिंग लेने का होगा ना तो क्या होता है, जिंदगी एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग ही होता है ना, जूनियर के जी सीनियर के जी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिर वो चौथी तक, उसके बाद में मीडियम मतलब 5वीं से लेकर 10वीं तक, 10वीं के बाद में ग्रेजुएशन, ये ट्रेनिंग ही होता है, हर साल एग्जाम होती है ना हमारी, ये ट्रेनिंग ही होता है ना, 100 मार्क का पेपर होता है उसमें के 15-20 मार्क इजी जोड़ा जुड़वा गाड़िया टाका भरा, ये ट्रेनिंग ही होता है बॉस हमारा, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता, एक्चुअली ट्रेनिंग अभी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी में आप जाओ, अगर आपके कोई दोस्त होंगे ना कोई बैंकिंग सेक्टर में होंगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक या बड़े बड़े लोम्बार्ड है, इनके अगर आपके कोई जान पहचान के लोग होंगे ना, या जस्ट दैट जैसी छोटी छोटी कंपनियां जो ना ई कॉमर्स करने वाली जो कंपनियां है, वेब वगैरह हैंडल करने वाली कंपनी है ना, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होता है बॉस। क्या क्या कहा मैंने, बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना उनका पहला 30 दिन का जो पगार रहता ना सर, यहाँ पे पहले जो 30 दिन का जो पगार होता ना वो कंपनी फ्री देती है, आपको पता है कि पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ये 30 दिन का 25 दिन का हमारा ट्रेनिंग होगा, आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ये ट्रेनिंग लो, यहाँ पे क्या काम करना है कैसे काम करना है, और आपकी सैलरी है 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपीज। ग्रेजुएट हुए लड़का पहले जाता है उसको 12,000 रुपया 15,000 रुपया सैलरी दी जाती है, पहले बोलते ट्रेनिंग कंप्लीट कर,
छह महीने के बाद में परफॉर्मेंस देखने के बाद में कंपनी उसको बोलती है अभी तेरा पगार 35,000। क्यों? ट्रेनिंग। हर 3 महीने के बाद में उसका ट्रेनिंग होता है। सबने एग्जैक्टली वही बताया है आपको, लेकिन फर्क है ये दोनों ट्रेनिंग में, इंटरनेशनल ट्रेनिंग और यहाँ की कलकत्ता ट्रेनिंग में, दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? सबसे बड़ा फर्क है यहाँ पे हमने आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, वहां पे इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के लिए 35,000 या 1,00,000 रुपए की सैलरी कमाने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। कितने लोग ग्रेजुएट है यहाँ पे? इक्का दुक्का 99% अंडर ग्रेजुएट है, फिर भी 1,00,000 रुपया कमाने का मौका है। अभी सर ने बोला इसलिए मैं चुप हूं, करोड़ों रुपये की बात नहीं करूंगा, नहीं तो घर पे जाके हाँ हम लोग बाजू में रहते हैं। बराबर क्या? इक्का दुक्का 99% यहाँ पे लोग अंडर ग्रेजुएट है, 10-20 के नीचे कितने हैं कि इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग जो 1,00,000 रुपए कमाने का ट्रेनिंग है वो यहाँ मिलने वाला है। सही है? खुश है? करना चाहते हैं ना? परफेक्ट। क्यों करना चाहते हैं? कि अपने को कमाने का, वो आधी जिंदगी तो गुजर गई, लास्ट कहानी पूरी गुजर गई। आखिरी कहानी में बता के मैं मेरा जो कहने बोलने का है वो खत्म करना चाहूंगा ये सेशन। सर कहानी बताने का उद्देश्य आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी कुछ लोग यहाँ पे हम लोग आधी उम्र में आ गए बराबर, लेकिन उतना कमा नहीं पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, बोल इसके आगे कोई बात नहीं। लेकिन ये सक्सेस सच में लोग कैसे होते हैं उसके लिए मैं स्टोरी बताऊंगा। बाज पता है आपको? बाज, ईगल, ईगल घात पक्षी, सोलह सौ वर्ग दोस्तों भाई जरा, आणि खाण्यासाठी खाली येतो किंवा कुठे झडप मारतो, कितना कितना पावरफुल आपको प्राणी, आपको पता है पक्षी क्या स्पीड है, क्या रफ्तार है, कैसे आता है, झपट के सब उठा के लेके जाता है बराबर। सब डरते मुर्गी मिर्गी सब बच्चे मुर्गी के यहाँ वहां दौड़ते, अगर वो दूर से दिखाई देगा ना, इवन कौवा भी सांप भी किसी को भी उठा लेता है, कितना पावरफुल है। सबसे पावरफुल पक्षी कौन है? ईगल। परफेक्ट है ना, मान्य है ना, लेकिन उसका आपको मालूम उसकी आयु कितनी होती है जिंदगी की, वो कितना साल जीता है भाई, कितना साल जीता है आपको पता है? उसकी उम्र किसको पता है? 70 साल की होती है सर, चलो सर तुम पकड़ते एग्जाम, 100 साल की उसकी उम्र होती है। लेकिन वो जब आधी उम्र में चला आता है ना, जब वो 40-50 का होता है ना, तो क्या करता है मालूम है? वो थक जाता है, 40-50 का होता है ना, वो थक जाता है, उसकी जो चोच है, उसके जो नाखून है, उसके जो पंख है ना, वो कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे भी ऐसे होता है ना, हम लोग भी थकने लगते हैं, होता है ना। एग्जाम्पल उसकी गलत नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमें उसमें एक फर्क है। क्या फर्क है पता है? वो क्या करता है मालूम है? 40 साल के बाद में जब वो थक जाता है, उसके चोट जो है वो कमजोर होने लगती है, उसके जब पंख है वो उसको ना स्पीड नहीं दे पाते ना, तो वो ना ऊंचे डोंगर पे पहाड़ी पे जाके ना बैठ जाता है। प्रतीक्षा करने के लिए जैसे हम लोग बैठते ना, चलो यार अभी भगवान को मिलना है या फिर कुछ करना है ना, वैसे वो जाके बैठ जाता है शांति से। और वो क्या करता है मालूम है? पत्थर पे अपनी चोंच पटक पटक के अपनी चोंच तोड़ देता है। ये किसी को पता है क्या? कितने लोगों को पता है? 98% लोगों को नहीं पता। वो चोट जाके पत्थर पे पटक देता है, क्यों? अरे साला कुछ हो भी हो नहीं रहा है तो पटक के तोड़ डालता हूं, ऐसा नहीं है। वो तोड़ता है चोच को, वहां से खून भी बहने लगता है, फिर भी वो तोड़ता है। उसके बाद में कुछ दिन ऐसे ही बैठा रहता है, उसको नया चोच आता है, जो चोच है ना नई आनी शुरू हो जाती है उसकी, वो राह देखता है। जैसे उसको वो चोच आ जाती है ना, तो वो चोच से उसके नाखून निकालता है, वो अपने चोच से अपने उंगलियों के नाखून निकालना चालू करता है, क्यों? ताकि नए नाखून आ सके, प्रोविजन के लिए। थोड़े दिन ऐसे बैठा रहता है, भूखा रहता है, तपश्चर्या करता है, उसको तपश्चर्या कह सकते हैं, ये जो उसका जो पीरियड है ना, इसको हम तपश्चर्या कर सकते हैं, उसको नए नए नाखून आने शुरू होते हैं। उसके बाद में क्या करता है मन में, वो जो सोच है ना थोड़ी बहुत डेवलप हुई रहती है ना, उसने अपने पंख निकालना चालू करता है। कैन यू बिलीव? सोच सकते हैं क्या आप? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा होता है, वो करता है अपनी चोट से अपने पूरे पंख निकालना चालू करता है, उसका बदन पूरा खून से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि ये खून निकल रहा है अभी क्या करूं, अभी नहीं या उससे अच्छा तो मर गया होता, नहीं, वो करते रहता है। उसके बाद में थोड़ी देर वैसे ही शांत बैठता है, वैसे ही भूखा, कुछ मिला नहीं, हट गया, पंख ही नहीं है, किधर जाएगा भैया। लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसको नए पंख आते हैं, उसको नए पंख आते हैं, नए पंखों में
भाई नए पंख बोलेगा तो नए ताजा पंख आ जाते ना, तो वापिस से उसी तरह से वो छलन लगाने के लिए तैयार होता है और उस नए पंख और नई चोच और नए नाखूनों के साथ में आगे की जिंदगी गुजार देता है। समझ में आया? ये आपका कौन सा पीरियड है? ये हमारा यही पीरियड है जहां पे हमको काल की तरफ से हमको नया बिजनेस मिला है, उसके साथ में सदा बोला ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ये है ट्रेनिंग, अपनी पुरानी चोच को तोड़ना है, अपने नए झूले पंखों को निकाल के फेंकना है और फिर से तैयार होना है नई उड़ान। ठीक है, इतना कहकर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आगे का सेशन संभालने के लिए स्टेज पे मैडम जी आइए। धन्यवाद।